दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है और पूरा दुनिया जानती है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से ही हमारे हिंदुस्तान देश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और दोस्तों, दो न्यूज़ आई है, दो खबरें आई हैं जो मुसलमान को खून खौला देने वाला है। दोस्तों, आरएसएस के आतंकवादियों द्वारा मुसलमानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, मगर मोदी सरकार चुप्पी साधी है, कुछ नहीं बोल रही है, मगर दुनिया देख रहा है। दो रिपोर्ट आई है जो मुसलमानों को खून खौला देने वाली है। तो सबसे पहले आप ये पहला रिपोर्ट देखें। मैं आपको बता दूं कि ये खबर केरला की है, मारथोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जो कि जी न्यूज छापा भी है, नमस्ते इंडिया। अब महाराष्ट्र के कॉलेज से उठा हिजाब विवाद। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, पहले केरला से जो न्यूज आई है उसे देखें। देखिए, ये खबर न्यूज 18 ने छापा है, नीट 2022 एस्पिरेंट्स अल इजेटली आस्क्ड टू रिमूव ब्रास्ट टेक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लेंट फेल। ये खबर 17 जुलाई की है। इसका मतलब ये है कि नीट 2022 उम्मीदवारों ने कथित तौर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा शिकायत क्षेत्र लेने के लिए ब्रा हटाने के लिए कहा। अब आप आगे पढ़ें, नीट 2022 अराउंड 100 स्टूडेंट्स व asked to remove part of their undergarments to enter the exam hall to take medical entrance exams. Another student was made to remove hijab, a religious scarf, while rules allow religious attire. इसका मतलब ये है, नीट 2020 लगभग 100 छात्रों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए अपने अंडर गारमेंट्स का हिस्सा निकालने के लिए कहा गया था। एक अन्य छात्र से हिजाब, एक धार्मिक दुपट्टा हटाने के लिए कहा गया, जबकि नियम धार्मिक पोशाक की अनुमति नहीं देता है। नियम अनुमति नहीं देता है, लेकिन जबरन उतारने के लिए कहा गया। देखिए, अब इसी खबर को हिंदुस्तान ने भी छापा है, आइए इसका हेडलाइन देखते हैं। नीट के दौरान उतरवाई थी छात्रा की ब्रा, दो कॉलेज स्टाफ समेत 5 महिलाएं गिरफ्तार। अब हेडलाइंस के नीचे देखें, जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर आरोप है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रवेश देने से पहले उन्होंने छात्रा को ब्रा उतारने पर मजबूर किया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। दोस्तों, आपने इस रिपोर्ट को देखा, क्या इस रिपोर्ट को देखकर आपका खून नहीं खौलेगा? और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मुसलमानों का ही खून खौलेगा, चाहे आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, चाहे हिंदू धर्म को मानते हो, सिख, जैन, जिस भी धर्म को मानते हो, अगर आपके बच्चियों के साथ, आपके बहनों के साथ अगर ऐसा सलूक किया जाए आरएसएस के द्वारा किया जाए, तो क्या आप आवाज नहीं उठाओगे? क्या आप नहीं बोलोगे? क्या आप खामोश रहोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई खामोश नहीं रहेगा, इसलिए कि सबकी बच्ची एक समान होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और ये कोई आम सड़कों पे नहीं हो रहा है, ये कोई गलियारों में नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी में हो रहा है। बताओ, नीट की एग्जाम देने ये बच्चियां गई और उनके साथ इतने घिनौनी काम की मैं जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ यार, बोल भी नहीं सकता हूँ। ऐसा कौन सोच सकता है कि यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं? उनका मानसिकता कहाँ चला गया है, कैसे बदल गया है? क्या मोदी सरकार इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? यही सब जुल्म होने के बाद जब मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है और रोडों पे निकल रहा है, तो मोदी जी की पुलिस मालूम है उनको क्या करती है? मोदी जी की पुलिस उनको पकड़ती है और पकड़ने के बाद खूब पीटती है, खूब पीटने के बाद उनको झूठे केसों में फंसाती है, ना जाने कई धराएं लगा देती है, और उसके बाद उनको जेलों के अंदर बंद कर देती है। और यही मोदी सरकार उन मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाती है ताकि ये आवाज़ ना उठाए। और लगातार मोदी सरकार में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता रहा है, मगर मोदी सरकार की चुप्पी ये लगती है कि ये जालिमों के साथ है जो जुल्म करने वाले हैं। बताओ, ये एक यूनिवर्सिटी की बात है, ये सारी बच्चियां नीट का परीक्षा देने के लिए ड्रीम लेकर गई थी, कोई ख्वाहिश लेकर गई थी, कोई सपना लेकर गई थी, कोई सोच लेकर गई थी, कोई विचार लेकर गई थी कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगी या मेडिकल डिपार्टमेंट्स में किसी भी वे में जा सकती हैं। वो मेडिकल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो किसी में भी जा सकती हैं। अलग अलग ड्रीम होता है, अलग अलग सोच होता है, अलग अलग सपनाएं होते हैं हर एक इंसान का। मगर उससे पहले इतना बड़ा घिनौना काम मुसलमान बच्चियों के साथ, क्या ये बर्दाश्त करने के लायक है? क्या अभी भी मोदी सरकार इसके ऊपर खामोश रहेगी? क्या इसके ऊपर रोक नहीं लगना चाहिए कि आए दिन ऐसे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? और ये भी खबर है कि पुलिस भी गंदी गंदी गाली दे रही थी। ये जितने भी बच्चियाँ हैं ये उन कर्मचारियों के ऊपर और कुछ पुलिस वाले हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और पुलिस वाले जितने भी अपशब्द बोले हैं, पुलिस वाले भी बोले हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो भी बहुत अपशब्द बोले हैं जिसका जिक्र नहीं कर सकता, उनके ऊपर ये बच्चियां एफआईआर की हैं, इनके माता पिता सभी मिलकर एफआईआर किए हैं। देखिए इनका नतीजा क्या होता है,
आइए हम दूसरे रिपोर्ट की तरफ आपको ले चल रहे हैं। दूसरा रिपोर्ट देखिए आप, ये एबीपी न्यूज वालों ने छापा है, हेडलाइन से महाराष्ट्र में नीट परीक्षा के दौरान छात्राओं का हिजाब बुरका उतारने को कहा गया। एबीपी न्यूज का दूसरा हेडलाइंस, महाराष्ट्र न्यूज, महाराष्ट्र में छात्राओं का आरोप, नीट परीक्षा में जबरन हिजाब उतरवाया गया, पुलिस में की शिकायत। ये आज तक न्यूज का हेडलाइंस है, हिजाब कंट्रोवर्सी, हिजाब बुरखा उतरवाने पर कॉलेज में बवाल, मुस्लिम छात्राओं के गंभीर आरोप। आज तक वालों ने डिटेल में भी छापा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये देवांशु मनी तिवारी पेशे से एक पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, महाराष्ट्र में नीट परीक्षा देने पहुंची 5 मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जब वो परीक्षा देने पहुंची तो उन्हें कहा गया कि आपको बुरका उतारना होगा, नहीं तो हमें इसे कैंची से काटना पड़ेगा। बाद में बच्चों के परिवार ने पुलिस कंप्लेन लिखवाई है। बतलाइए, ये पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है, पुलिस के ऊपर ये आरोप है। ये जागरण ने भी छापा है, नीट एग्जाम, महाराष्ट्र में नीट के दौरान छात्राओं से हिजाब उतरवाने को लेकर विवाद। दरअसल 17 जुलाई को महाराष्ट्र समेत देश भर में नीट की परीक्षा थी। इस दौरान वासिम के मातुश्री शांताबाई गोटे महाविद्यालय को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। आरोप है कि परीक्षा के दौरान एक मुस्लिम छात्रा को चेहरा और हॉल टिकट दिखाने के बावजूद बुर्का उतारने पर मजबूर किया गया। इस घटना पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संज्ञान लिया है। इस बारे में स्टूडेंट और उनके परिजनों की तरफ से वाशिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपने पहला रिपोर्ट भी देखा और ये दूसरा रिपोर्ट भी देखा, बता दूसरा रिपोर्ट देखने के बाद आपका तो खून खोल गया होगा। जितने भी मुसलमान भाई हैं और जितने भी जो सच्चे धर्म को मानने वाले हैं, उनकी भी बेटी और बहन है, अगर उनके बेटी बहन के साथ ऐसा ही किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, बताइए। और आप सोच रहे होंगे कि ये कोई आरएसएस के बंदा है या कोई एक दल है जो ये कर रहा है, तो मोदी सरकार आखिर इसके ऊपर कोई कानून क्यों नहीं बना रही है? ऐसा तो नहीं है और ऐसा ये 100% है कि मोदी ही सरकार ऐसा करवा रही है अपने सत्ता में बने रहने के लिए। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा से मुसलमानों के ऊपर जब भी जुल्म हुआ, मोदी सरकार चूं तक नहीं बोली और जुल्म रोकने की बात ही नहीं करे। मोदी सरकार, मोदी जी इतना बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, अगर मोदी चाहते हैं इस जुल्म को रोकने के लिए, तो मोदी जी आकर कैमरे के सामने क्यों नहीं बोलते कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म बंद करो? आखिर मोदी जी चाहते हैं तभी तो जुल्म किया जा रहा है। हमेशा मुसलमानों को मारा जा रहा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई हो भी रही है तो उनको 10 दिन, 20 दिन, एक महीना के अंदर ही उनको जेलों से बाहर कर दिया जा रहा है। और मोदी सरकार के जितना नेते हैं उनका स्वागत करते हैं फूल माला से। आपने देखा होगा, क्या आपने नहीं देखा कि तबरेज अंसारी को जो झारखंड में मारा गया, वो जो मारने वाला था बीजेपी का कार्यकर्ता, जब वो जेल से छूट कर आता है तो उसको बीजेपी वालों ने मालूम है फूल माला से स्वागत करते हैं। और ऐसे ऐसे हजारों हैं जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं और जब उनके ऊपर थोड़ी मोड़ी कार्रवाई होती है, बस थोड़ी मोड़ी, और 1-2 महीने की जेल होती है और उसके बाद वो जब वो बाहर आते हैं तो यही बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लीडर सारे उनको स्वागत करते हैं। ये लोग कपड़े से पहचाने जाएंगे, मोदी जी आप ही ने बोला था ये लोग कपड़े से पहचाने जाएंगे, और यूपी के सीएम चीफ मिनिस्टर योगी जी बोले थे ये लोग कपड़े से पहचाने जाएंगे। और सच में ये साबित हो रहा है कि जितने भी आरएसएस के आतंकवादी है कपड़े देखकर उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मगर मोदी सरकार नहीं बोलती। नहीं बोलती इसलिए नहीं बोल रही है मोदी सरकार कि मोदी सरकार भी उसमें 100% इन्वॉल्व है। अगर मोदी सरकार चाहेगी तो जुल्म बंद हो सकता है। क्या ये दुनिया नहीं देख रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं? आखिर क्यों बैठे हैं? और मुसलमान प्रोटेस्ट कर ले और इंसाफ की बात करे तो उसको पकड़ते हो, मारते हो, जेलों के अंदर बंद कर देते हो, उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हो। क्या ऐसे ही हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा और मोदी सरकार चुप्पी साधी रहेगी? हम क्यों ना कहें कि मोदी सरकार इसमें इन्वॉल्व है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल रिपोर्टर हैं। आपने इससे पहले मेरे वीडियो को देखा होगा, उसमें मैंने सीजे जो वर्ल्ड मैन है उनका भी रिपोर्ट दिखाया, फिर से जो अमेरिका से न्यूज आई थी, जो खबरें आई थी उसको भी मैंने आपको दिखाया। वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है ये आरएसएस के रास्ते पे काम कर रही है और हिंदुस्तान में मुसलमानों को खात्मा करने की साजिश चल रही है। बताइए, इतनी बड़ी ये बात है, हमारा खून क्यों नहीं खोलेगा मोदी जी, क्यों नहीं खोलेगा? और जब हम रोड पे आते हैं तो आप हमारे ऊपर जुल्म करते हो, FIR दर्ज करते हो, झूठी FIR, और हमको फंसाते हो, हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। आप मोदी जी, आप बात करते हो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास,
कैसे मैं आपको मानूं कि आप सबका साथ और सबका विश्वास की बात करते हैं? कैसे मानूं? ये मुसलमानों के ऊपर प्रत्येक दिन आए दिन एक ना एक जुल्म हो रहा है, और आपकी चुप्पी ये दिखाती है, ये बतलाती है कि आप जुल्म करने वालों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ नहीं है। आप सिर्फ बोले कि मैं एक कम्युनिटी को साथ दे रहा हूं और वो जुल्म कर रहे हैं उनका साथ दे रहा हूं, ये मत बोलिए सबका साथ सबका विश्वास। हमारा विश्वास 1% भी नहीं है आपके ऊपर, इसलिए नहीं है, है कि आए दिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और आप एक बार भी नहीं बोला कि मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसे रोका जाए, एक बार भी आपने आकर मीडिया के सामने नहीं बोला। तो मोदी जी, आप देश के बहुत बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा इल्तिजा है कि आप आने वाले समय के लिए ये सोचिए कि हमारा भारत किस कगार पे जा रहा है, दुनिया हमारे भारत को किस नज़रों से देख रही है। दुनिया बता रही है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और आप देख रहे हैं आपका इकोनॉमी कहाँ जा रहा है, अमेरिका का डॉलर बढ़ रहा है और हमारा जो रुपया है ये घट रहा है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल दाल चावल सारे चीज़ों पे महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ मालूम है ये क्यों बढ़ रही है? सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म करवा रहे हैं सरकार के लोग, और ये जुल्म करते हुए आरएसएस के बंदे और भक्तों को पसंद आ रहा है। तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।